चलिए अब बात करते हैं बिजली संकट की। तो देश के कई राज्यों में गहराया है बिजली संकट। दिल्ली राजस्थान समेत कई राज्यों में बिजली का संकट गहराया है। कोयला संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि थर्मल प्लांट का कोयला स्टॉक 21.5 मिलियन टन है। कोयले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पर लगातार सरकार की नजर है। पूरे देश में 7 से 10 दिन का कोयला स्टॉक है। हर दिन कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। कोल इंडिया ने 2022 में कोयला उत्पादन 27.2% बढ़ाया है। कोल इंडिया के पास 56.7 मिलियन टन कोयला स्टॉक है। तो केंद्र सरकार की ओर से इसे बयान को आप देख सकते हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में इस वक्त बिजली का संकट गहराया हुआ है। कई राज्यों ने बिजली में कटौती की है, तो ऐसे में दिल्ली राजस्थान समेत कई राज्यों में ये संकट देखने को मिल रहा है। कोयला संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि थर्मल प्लांट का कोयला स्टॉक 21.5 मिलियन टन है। कोयले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पर लगातार सरकार की नजर है। पूरे देश में 7 से 10 दिन का कोयला स्टॉक है। हर दिन कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। ये उनकी ओर से बयान दिया गया है कि हर दिन कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद निश्चित तौर पर उन्होंने सभी आम लोगों को बधाई है कि अगर इस तरीके से कोयले का स्टॉक बढ़ेगा तो जो बिजली कटौती की नौबत आई है तो निश्चित तौर पर उससे सभी को निजात मिलेगी। पर देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जो बयान दिया गया है वो वाकई में हकीकत में कितना सही है। तो वहीं कुछ आंकड़े भी आपको बताते हैं जो उन्होंने इस बयान के जरिए साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया ने 2022 में कोयला उत्पादन 27.2% बढ़ाया है। कोल इंडिया के पास 56.7 मिलियन टन कोयला स्टॉक है। तो कोल इंडिया के पास 56.7 मिलियन टन कोयला का स्टॉक है। तो वहीं कोल इंडिया ने 2022 में कोयला उत्पादन 27.2% बढ़ाया। और ये भी तय है कि वर्तमान में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि एक और तो बिजली की खपत बढ़ी है और यही वजह कि एक बड़ा बिजली संकट पूरे देश के समक्ष है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में ही अब बिजली की कटौती। प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी ये खबर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने आदेश में किया है संशोधन। 500 केवीए से ज्यादा क्षमता वाली औद्योगिक इकाइयों में ही बिजली कटौती की जाएगी। यानी प्रदेश की ज्यादातर लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां बिजली कटौती से मुक्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयां 24 घंटे चल रही है उन्हें भी कटौती से मुक्त रखा गया है। तो निश्चित तौर पर एक प्रयास किया गया है कि जो उत्पादन हो रहा है इन तमाम औद्योगिक इकाइयों के जरिए तो वो बाधित ना हो। और ये तय किया गया है कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों में ही अब बिजली की कटौती की जाएगी। प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी एक खबर है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने आदेश में संशोधन किया है और इस संशोधन के जरिए अहम बदलाव किए गए हैं। और बदलाव क्या किया गया है वो जरा आपको समझाते हैं। 500 केवीए से ज्यादा क्षमता वाली औद्योगिक इकाइयों में ही बिजली कटौती की जाएगी। तो वो तमाम औद्योगिक इकाइयां जिनकी क्षमता 500 केवीए से ज्यादा है उन्हीं में बिजली कटौती की जाएगी। यानी प्रदेश की ज्यादातर लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां बिजली कटौती से मुक्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयां 24 घंटे चल रही है उन्हें भी कटौती से मुक्त रखा गया। गर्मी से आमजन के हाल बेहाल है। प्रदेश में इन दिनों सिर चढ़कर बोल रही है गर्मी। राज्य के 11 शहरों में पारा चला गया है 45 डिग्री के पार। धौलपुर में लगातार दूसरे दिन पारा 46 डिग्री के पार। धौलपुर में 46.5 डिग्री, श्रीगंगानगर में 46.4 डिग्री और हनुमानगढ़ में 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 दिन राहत के कोई आसार नहीं है। 1 मई को जोधपुर बीकानेर संभाग के कई जिलों में पारा जा सकता है 47 डिग्री के पार। तो वहीं 2 मई के बाद ही मिल सकती है कुछ राहत। तो मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी भी साझा की गई है कि 2 मई के बाद ही आम लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, पर 2 मई तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। 2 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके बाद कई क्षेत्रों में आंधी का दौर देखने को मिलेगा, बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा और यही वजह कि थोड़ी सी राहत आम लोगों को मिल सकती है। पर फिलहाल 2 तारीख तक आम लोगों को गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर पारा भी कई क्षेत्रों में बढ़ने की बात सामने आई है। तो गर्मी से आमजन के हाल बेहाल है। हम देखते भी हैं कि दिन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ होता है। लोग अलग अलग तरीके के जत्न और प्रयास करते हुए अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश में इन दिनों सिर चढ़कर गर्मी बोल रही है और ये देखने को भी मिलता है। और यही वजह कि इसकी वजह से एसी और फ्रिज का मार्केट भी गर्म हो गया है। तो वही राज्य के 11 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है।
धौलपुर में लगातार दूसरे दिन पारा 46 डिग्री के पार। धौलपुर में कल भी पारा 46 डिग्री के पार रहा और उससे पहले भी 46 डिग्री के पार रहा। तो लगातार ये दो दिन जब धौलपुर में पारा 46 डिग्री के पार रहा, तो वहीं धौलपुर में 46.5 डिग्री तापमान जो अधिकतम नोट किया गया। श्रीगंगानगर में 46.4 डिग्री और हनुमानगढ़ में 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी तीन दिन राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी भी साझा की गई है कि अभी फिलहाल कोई राहत के आसार नहीं है। 1 मई को जोधपुर बीकानेर संभाग के कई जिलों में पारा जा सकता है 47 डिग्री तक। 2 मई के बाद ही मिल सकती है कुछ राहत। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से कई जिलों को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और हीट वेव की बात भी सामने आई। चलिए अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर स्कूलों में कब होगा ग्रीष्मावकाश। बढ़ती गर्मी के बीच स्कूल जा रहे हैं नौनिहाल। कई स्कूलों में अक्सर दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होती है छुट्टी। उस समय गर्मी रहती है अपने प्रचंड रूप में। गर्मी लू के थपेड़ों के बीच कई किलोमीटर दूर घर जाते हैं बच्चे। स्कूलों में समय परिवर्तन और अवकाश करने के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत दूसरी और कॉलेजों में 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश हो चुका है घोषित। ऐसे में नौनिहाल भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। तो नौनिहाल भी उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें भी गर्मी से राहत मिले। और राहत कैसे मिलेगी कि स्कूल ग्रीष्मावकाश के जरिए बंद हो, यानी कि गर्मी की छुट्टियां सभी बच्चों को भी दी जाए, क्योंकि कॉलेज प्रशासन की ओर से तो ये घोषणा कर दी गई है कि वहां पर ग्रीष्मावकाश शुरू होने वाला है। तो वहीं बढ़ती गर्मी के बीच स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कई स्कूलों में अक्सर दोपहर 1 से 2 बजे के बीच छुट्टी होती है और उस वक्त कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, धूप कितनी ज्यादा तेज होती है, ये आप समझ पा रहे होंगे। और उस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा अपने प्रचंड रूप में रहती है। तो ऐसे में गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच कई किलोमीटर दूर घर जाते हैं बच्चे। स्कूलों में समय परिवर्तन और अवकाश करने के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत हैं। तो ऐसे में या तो ये होना चाहिए कि स्कूलों में इस वक्त ग्रीष्मावकाश की घोषणा होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कोशिश की जा सकती है कि स्कूलों का टाइम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए जिससे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिले। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी जानकारी दे दें कि कॉलेजों में 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित हो चुका है। तो ऐसे में नौनिहाल भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। उनको भी उम्मीद है कि जब कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है तो निश्चित तौर पर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में नहीं होगा बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों को खारिज किया है। पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में हुआ था विवाद। विवाद के बाद लगाए जा रहे थे कयास, बीजेपी और एमएनएस मिलकर चुनाव लड़ने के लगाए जा रहे थे कयास। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हटाने के लिए दोनों पार्टी आ सकती है साथ। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसे खारिज करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, जरा वो आपको बता देते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर नहीं हो रही है कोई बातचीत। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर का मुद्दा जरूर उठाया लेकिन वो मुद्दा हमारा था। गठबंधन की खबरें झूठी और निराधार। तो बेहद अहम खबर ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन नहीं होगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में विवाद हुआ था और विवाद कितना ज्यादा उग्र हुआ था और कितनी सियासत इस मुद्दे पर हुई थी ये सभी जानते हैं। तो वहीं विवाद के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और एमएनएस मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकते हैं और ये कयास भी पुरजोर तरीके से लगाए जा रहे थे कि जल्दी बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन देखने को मिल सकता है, दोनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हटाने के लिए दोनों पार्टी साथ भी आ सकती है, ये बात भी सामने आई थी। तो वहीं सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर नहीं हो रही है कोई बातचीत। तो वहीं राज स्पीकर का मुद्दा जरूर उठाया है लेकिन वो मुद्दा हमारा था। गठबंधन की खबरें झूठी और निराधार। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अहम फैसले की। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया है। पंजीकरण की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई की गई है। तो वही योजना में अब 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। तो चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को मिलेगा फोन।
निशुल्क स्मार्टफोन और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिया गया। राजस्थान की जनता के लिए वो कितने ज्यादा संवेदनशील है ये उनके तमाम फैसले बताते हैं। बजट के दौरान भी उन्होंने ऐतिहासिक घोषणाएं की, तो वहीं आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अब उन्होंने एक और अहम फैसला लिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि बजट के दौरान ही उन्होंने योजना में 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा कर दी थी। तो वहीं आप पंजीकरण की आखिरी तारीख को भी 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया है। तो 7 मई कर दिया गया है क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कोई भी जो इस योजना के पात्र लोग हैं वो इस योजना के पात्र बनने से वंचित ना रहे। तो जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला है तो वो 7 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए करवा ले। तो वहीं चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, निःशुल्क स्मार्टफोन और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो बजट के दौरान ये भी अहम घोषणा की गई थी कि जो महिलाएं हैं जो चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवारों की मुखिया हैं उनको स्मार्टफोन मिलेगा और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उन्हें मिलेगी। साइबर थाने खोलने की मंजूरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयपुर में पहले से ही है साइबर थाना, इसलिए जयपुर छोड़कर 32 जिलों में खुलेंगे साइबर थाने। डिप्टी SPCI समेत 15 लोगों का स्टाफ होगा, 15 कर्मचारियों का स्टाफ ये होगा। तो वहीं 32 थानों के लिए 480 पदों की स्वीकृति जारी की गई है। बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर जरूरत भी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को बजट में इसकी घोषणा की थी। तो निश्चित तौर पर बजट के दौरान कई अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई, पर सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे ये तमाम घोषणाएं धरातल पर नजर आएंगी। तो मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद गंभीर है और यही वजह कि लगातार एक के बाद एक घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं साइबर थाने से जुड़ी जो घोषणा थी अब वो भी आपको धरातल पर नजर आएगी। साइबर थाने खोलने की मंजूरी दे दी गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयपुर में पहले से ही साइबर थाना है, इसलिए जयपुर को छोड़कर 32 जिलों में साइबर थाने खुलेंगे। डिप्टी SP और CI समेत 15 का स्टाफ होगा। 32 थानों के लिए 480 पदों की स्वीकृति जारी की गई है। बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर जरूरत भी महसूस की जा रही थी और आए दिन हम देखते भी हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते हैं और अन्य अपराध भी सामने आते हैं, और यही वजह कि इनकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बेहतरीन घोषणा बजट के दौरान की और उसके बाद अब साइबर थाने जल्द ही खुलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को बजट में ये घोषणा की थी। गैर भाजपाई CM आज दिल्ली में करेंगे मंथन, बैठक में अगली मुलाकात की रूपरेखा और एजेंडा तय हो सकता है। विपक्ष एकजुटता, विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो वही भाजपा को टक्कर देने, केंद्र में विकल्प खड़ा करने की भूमिका पर मंथन होगा। पहले बैठक होनी थी मार्च के अंत में बजट सत्र के दौरान, लेकिन 5 राज्यों में नतीजों के बाद परिस्थिति से जो बदलाव देखने को मिला उसकी वजह से ये बैठक टल गई। तो ऐसे में अब ये बैठक आज हो रही है। तो गैर भाजपाई CM आज दिल्ली में मंथन करेंगे, बैठक में अगली मुलाकात की रूपरेखा तय की जाएगी और साथ ही एजेंडे भी तय हो सकते हैं। विपक्षी एकजुटता, विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति, भाजपा को टक्कर देने और केंद्र में विकल्प खड़ा करने की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। पहले यह बैठक होनी थी मार्च के अंत में बजट सत्र के दौरान, लेकिन 5 राज्यों में नतीजों के बाद बदली परिस्थिति से ये बैठक टल गई। राजधानी के उत्तरी रिंग रोड प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर चला आ रहा विवाद खत्म हुआ है, अब प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू हो सकेगा। उत्तरी रिंग रोड के प्रथम चरण का जल्द शुरू होगा काम। NHAI और राज्य सरकार के बीच बनी है सहमति। CS उषा शर्मा ने इसके लिए पत्र भेजा है तो वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजा गया है। आगरा रोड से सीजोन बाईपास वाया दिल्ली रोड तक होगा काम। आगरा रोड पर बगराना से होते हुए दिल्ली रोड पर अचरोल तक, अचरोल से ग्राम चौप के पास सीजोन बाईपास तक बनेगी रिंग रोड। NHAI वहां 70 मीटर चौड़ाई में बनाएगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके लिए भूमि की आवाप्ति और निर्माण कार्य NHAI करेगा। दक्षिणी रिंग रोड की तर्ज पर 360 मीटर चौड़ाई में बनेगा प्रोजेक्ट। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अलावा
शेष काम जेडीए करेगा। तो बेहद अहम खबर ये राजधानी के उत्तरी रिंग रोड से जुड़ी हुई। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर ये बड़ी और अहम खबर कि प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर चला आ रहा विवाद अब खत्म हुआ है। अब प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू हो सकेगा। उत्तरी रिंग रोड के प्रथम चरण का जल्द शुरू होगा काम। NHAI और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी है। CS उषा शर्मा ने इसके लिए पत्र भेजा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के सचिव को ये पत्र भेजा गया है। आगरा रोड से सी जोन बाईपास वाया दिल्ली रोड तक काम होगा। आगरा रोड पर बगराना से होते हुए दिल्ली रोड पर अचरोल तक, अचरोल से ग्राम चौप के पास सी जोन बाईपास तक बनेगी रिंग रोड। NHAI यहां 70 मीटर चौड़ाई में बनाएगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके लिए भूमि की आपूर्ति और निर्माण कार्य NHAI करेगा। दक्षिणी रिंग रोड की तर्ज पर 360 मीटर चौड़ाई में बनेगा प्रोजेक्ट। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अलावा शेष काम JDA के द्वारा किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ IPL 2022 की। गेंदबाजों ने दिलाई लखनऊ को जीत। पंजाब पर 20 रन से जीत दर्ज की लखनऊ सुपर जाइंट्स ने। जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य रखा था लखनऊ ने, लेकिन लचर बल्लेबाजी के चलते 133 रन ही बना सकी पंजाब। लखनऊ के मोहसिन ने 3 और कृणाल पंड्या ने 11 रन देकर लिए 2 विकेट। आज दोपहर 3:30 से बेंगलुरु बनाम गुजरात का मुकाबला होगा। शाम 7:30 से पहली जीत की तलाश में राजस्थान के सामने उतरेगी मुंबई। तो क्रिकेट के महाकुंभ IPL 2022 की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गेंदबाजों ने दिलाई है लखनऊ को शानदार जीत। पंजाब पर 20 रन से जीत दर्ज की है लखनऊ सुपर जाइंट्स ने।